हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। फिर से मैं लेकर आ गया हूँ एक और नई गेमिंग। दोस्तों आज हम पोको X3 में खेलने जा रहे हैं, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो 16,500 की कीमत में लॉन्च हुआ है और आपको इस पे जल्दी डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा दिवाली ऑफर में। यहाँ पर मैं अभी गेमिंग खेल रहा था, क्योंकि जब भी हम नया मोबाइल लेते हैं तो 1-2 दिनों तक वो थोड़ा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। प्रोसेसर, चाहे वो हमने G720G खेला हो या 730G खेला हो, तो अब यहाँ पर 732G है, तो 732G कैसा परफॉर्म करेगा वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो इससे पहले दोस्तों मुझे समझ में नहीं आया था पोको ऐसे फ़ोन लॉन्च क्यों करता है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया ही ना गया हो। मतलब क्योंकि मुझे नहीं लगता 732 730G और 720G में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था गेमिंग खेलने में, बिल्कुल एक जैसा एक्सपीरियंस लगता है। कभी कभी 720G बेटर एक्सपीरियंस देता है हमें गेमिंग खेलने में, मेरा ऐसा अनुभव भी है। और ऐसा लगता है मुझे 732G है ये गेमिंग के लिए थोड़ा सा बूस्ट किया गया है, इसमें GPU को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाएगा, तो गेम को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कोई लैग नहीं मिला है, क्योंकि कल जब मैं खेल रहा था इसमें तो मुझे थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल रहा था, क्योंकि नया फ़ोन होता है। तो ऐसे ही जब मैंने पोको M2 Pro ख़रीदा था तो भी मुझे काफ़ी लैग देखने को मिल रहा था वहाँ पर, तो मुझे लगा था शायद ये फ़ोन में कोई मिस्टेक है या फ़ोन या प्रोसेसर ऐसा ही काम करता है, थोड़ा सा लैग वाकई में देखने को मिल रहा है। तो लेकिन जब मैं आगे खेलता चला गया, 3 से 4 दिन हुए मुझे, तो वो सब कुछ परेशानियाँ ख़त्म होती जाती हैं। तो आप कभी भी फ़ोन लेकर या किसी का एक दिन का रिव्यू देखकर ऐसे ना सोचे अनबॉक्सिंग रिव्यू में कि परफॉर्मेंस बहुत स्लो देता है या ऐसा कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस आपको देगा, वो टाइम पे देगा, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ी। मैंने काफ़ी यूज़ करा जब इसे, मेमोरी इसमें यूट्यूब वगैरह सब कुछ चलाया मैंने, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह की, काफ़ी मेमोरी भर चुकी है इसकी। तो मेमोरी भरने के बाद में और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिलता चला गया। और इसी तरह से आप भी पहले ट्राई करें, काफ़ी लंबे टाइम तक थोड़ा सा 3-4 दिन वेट करें, अच्छे से यूज़ करें इस मोबाइल को, और तभी आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ मतलब आपने कैसा मोबाइल लिया है, अच्छी परफॉर्मेंस है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से अच्छा पैकेज है, लेकिन कुछ नया नहीं है इसमें। चाहे आपने इससे पहले पोको का M2 Pro ख़रीदा हो, वो भी काफ़ी बेस्ट फ़ोन है, और उसके अलावा अगर आपने पोको X2 लिया हो तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी पोको X2 जैसी है, इसमें ज़्यादा कोई अच्छी दी नहीं गई है, इसमें कोई नया मुझे लगा नहीं है। तो ऐसा आप ना सोचे कि आपको कुछ अच्छा नया पैकेज मिल रहा है इसकी जगह। तो 732G और उसमें प्रोसेसर में भी कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, और पोको X2 से आप देखें तो कैमरा एक्सपीरियंस सेम रहने वाला है, सब कुछ सेम रहने वाला है, और मुझे लग रहा है स्पीड भी बिल्कुल सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, चाहे आप पोको M2 Pro में खेल रहे हों या पोको X2 में खेल रहे हों, आपको एक जैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा यहाँ पर। वैसे मेरी फेवरेट गन टॉमी है, मैं थॉमसन को चलाता हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है मुझे टॉमी से यहाँ पर। तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी कम कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा हो रही है। और वैसे मेरा फेवरेट सेट दोस्तों पोको M2 Pro है, क्योंकि वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी,
और यहाँ पर एक बंदा और आ चुका है। पूरा ही मार देते हैं। और अब हमारे पास हो चुकी है यहाँ पर 50 लोडिंग इसमें, जिसलिए आज 3x मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। और मैंने ले भी रखा है, यहाँ पर M4 का इंतज़ार है, इसलिए मैंने एमओ ले रखी है। तो मुझे आगे जाना पड़ेगा उसे मारने के लिए, क्योंकि थॉमसन से हम स्कोप नहीं लगा सकते। और अगर हमें ऐसे बंदों को मारना है तो, क्योंकि वो स्कोप लगा के हमें ही मार सकता है। यहाँ पर किल मिल चुकी है। और वैसे मुझे पीपी सबसे ख़राब गन लगती है, क्योंकि इससे डैमेज काफ़ी कम मिलता है। इसकी जगह मैं थॉमसन ही प्रेफर करता हूँ। और कोई सी गन मिल जाए मुझे, या M416 मिल जाए, वो सबसे बेटर गन मानता हूँ मैं। और वैसे भी सबकी फेवरेट गन होती है वो। ये यहाँ पर M416 मिल गई है। अब हम फालतू एमओ फेंक देते हैं हमारी, क्योंकि गोलीबारी चल रही है और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम यहाँ से आगे बढ़ना है हमें। और मेरे लगभग सभी साथी मर चुके हैं। दोस्तों, मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ किसी को मारने के बाद, पूरा मारने की सोच लेता हूँ जब उसे। और यहाँ पर एक कार आती हुई दिख रही है मुझे। यहाँ गेम काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक। और मुझे नहीं लगता आगे अब परेशानियों का दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि मेरे साथी टीममेट तो कोई है नहीं। तो पूरा गेम सिर्फ मेरे कंधों पर है यहाँ पर। और यहाँ पर कोई स्ट्राइक गन भी नहीं है कोई अच्छी, की AWM होती मेरे पास यहाँ पर, तो मैं कुछ कर पाता अच्छे से। वैसे सामने बंदा है मुझे। यहाँ पर एक बंदा आता हुआ, जिसको पूरी तरह से मार जा चुका है। शायद वो अकेला स्क्वाड का था, इसलिए उससे आसानी से मार लिया। लेकिन अब देखना होगा हमें कि और आगे कहाँ बंदे मिलते हैं। लास्ट मैंने जब गेम खेला था तो उसमें काफ़ी जल्दी मैं मारा जा चुका था, क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 665 में काफ़ी अच्छी नहीं मिली थी, जो कि था हमारा नार्जो का 20A। और यहाँ पर मुझे काफ़ी सॉफ्ट गेमिंग लग रही है। और मुझे काफ़ी डैमेज दे दिया है उसने। ओह शिट, एक और।
यहाँ पर 10 बंदे अलाइव हैं और उसके हेडशॉट मुझे लगे तो मेरे पास अभी हेल्थ किट भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि अब मुझे हेडशॉट ना मिले। और किल ले पाऊँ मैं, और उसने मुझे मार दिया, वो भी काफ़ी अच्छा बंदा था। और यहाँ पर 6 किल मिल गए थे, तो काफ़ी अच्छा है। मैं न्यू प्लेयर हूँ तो मैंने लिख रखा, और मैं रैंडम स्क्वाड था, कोई मेरा अच्छा स्क्वाड नहीं था। कोई भी एक पार्टनर भी होता तो अच्छे से खेल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसी तरह गेमिंग खेल सकते हैं आप। काफ़ी अच्छा मोबाइल तो अच्छा है वैसे, आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा दिवाली सेल में, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पोको X3 के लिए थम्स अप है, और नया प्रोसेसर है 732G, लेकिन कोई ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें उससे। अगर आपको कोई अच्छा मोबाइल मिल रहा है तो आप वो ले लें। वैसे G95 से अच्छा 732G है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी ठंडा प्रोसेसर है। G90T में गेमिंग काफ़ी गर्म हो जाता था जब मैंने खेलता रियल मी 6 और रेडमी नोट 8 प्रो।